हाय फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ओरियन. सो इट इज अनदर वेल नोन कॉन्स्टिलेशन दैट कैन बी सीन ड्यूरिंग द विंटर्स इन द लेट इवनिंग्स. द ओरियन कैन बी सीन इन द विंटर्स. इट इज वन ऑफ द मैग्निफिशेंट कॉन्स्टिलेशंस इन द स्काई एंड इट हैज 7 और 8 ब्राइट स्टार्स एज आई हैव शोन यू इन द लास्ट लेक्चर. ओरियन इज ऑल्सो कॉल्ड द हंटर. तो यहाँ पे क्या होता है, ये हंटर की शेप में प्रेजेंट होता है. जो 3 मिडल स्टार्स होते हैं दे रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर एंड द 4 ब्राइट स्टार दे अपीयर टू बी अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो आपको मैंने दिखाया था कि जो 3 स्टार्स होंगे वो उसकी बेल्ट की तरह अपीयर होंगे और बाकी के जो 4 हैं दे विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. ये आप यहाँ पे देख सकते हैं. द स्टार्स सीरियस विच इज brightest star in the sky, it is located close to the Orion. तो Orion के पास Sirius करके ये star है जो यहाँ पे present होता है. So now, to locate this Sirius, what you have to do, you have to imagine a straight line that passes through the 3 middle stars of the Orion. This is your Orion and यहाँ से एक straight line जो है वो सोचिए कि यहाँ से pass कर रही है. Look along this line towards the east. तो आपको इसे लाइन के थ्रू ईस्ट साइड में देखते रहना है एंड दिस विल लीड यू टू द ब्राइट स्टार दैट इज द साइरस. सो इस तरीके से आप इस स्टार की लोकेशन को पता लगा सकते हैं. कैसियोपिया, इट इज अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टिलेशन दैट यू कैन सी इन द नॉर्दर्न स्काई एंड इट इज विजिबल ड्यूरिंग द विंटर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट. इट जस्ट लुक्स लाइक अ डिस्टॉर्टेड लेटर W और M. ये W या फिर M की तरह आपको दिखेगा. एंड अ कॉन्स्टिलेशन डज नॉट हैव ओनली 5 टू 10 स्टार, इट मे हैव अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स. तो खाली 5 से 10 स्टार नहीं, बहुत सारे स्टार्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे स्टार्स यहाँ पे कॉन्स्टिलेशन में प्रेजेंट हैं. और ये एक आपको एक वॉरियर की तरह दिख रहा होगा यहाँ पे. तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पे स्टार्स मिलकर एक प्रॉपर ग्रुप बनाते हैं. ऑल द स्टार्स which make up constellation are not at the same distance. तो जो stars constellation बनाते हैं जरूरी नहीं कि वो सभी same distance पे हो. They are just in the same line of sight in the sky. तो जो आपको section, जो portion visible होता है ये उसी line में, same line में वहाँ पे present होते हैं. तो इस तरीके से ये हमारा यहाँ पे Orion था. Thank you.